कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई, और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरा पान का विरोध किया, जमींदारों की शोषण युक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा, और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया, ये 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं, और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता, और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है। और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति के बारे में न केवल देश, पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की दो बहनें हो, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो, राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बोक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में शंकर शाह का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो,
या बेगाओं का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करे और नागालैंड में रानी माने अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने का काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद ये महानायकों को भुलाने का काम किया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि 200 करोड़ की लागत से देश भर में 20 आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे ये महान संघर्ष को याद। और मुझे याद है, मुझे आनंद है कि इसमें से 3 संग्रहालय अब तक बन चुके हैं और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची, जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह का संग्रहालय और छिंदवाड़ा में बादल भियो जनजातीय स्वतंत्र सेनानी का संग्रह, ये तीनों का 2021 में उद्घाटन करने का काम कर दिया। और 2026 के पहले इस सभी के सभी संग्रहालय तैयार होकर हमारी युवा पीढ़ी को इतिहास और देशभक्ति का वारसा देंगे। जनजातीय गौरव के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए। 75 साल की आजादी में पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गरीब आदिवासी की बेटी, आज देश के प्रथम नागरिक का स्थान शोभायमान कर रही। ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद जो आदिवासी क्षेत्र में विकास को रोकने का काम करता था, बच्चों को गुमराह करने का काम करता था, वो नक्सलवाद को करीब करीब समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमेशा के लिए मनाने का काम किया। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट इसमें जनजातियों के विकास के लिए 28,000 करोड़ था, मोदी जी के अंतिम बजट 24-25 में 28,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़ रुपया आदिवासी विकास के लिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 26,428 आदिवासी गांव में सभी बेसिक सुविधाओं का 100% सैचुरेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 97,000 करोड़ रुपया, खदान का जो खनिज निकलता है इसकी रेवेन्यू से काटकर आदिवासी क्षेत्रों में बांटा गया, 708 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ और जनजातीय उत्तर उन्नत ग्राम योजना 63,000 गांवों को संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए और 24,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मित्रों, आज का दिन आजाद भारत की खुली हवाओं में आजादी के अधिकार के साथ जीते हुए 140 करोड़ भारतीयों के लिए महान राष्ट्रनायक भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। 25 साल के ये युवाओं ने रांची की जेल से लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक आदिवासी और भारतीयों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था और अपना बलिदान दिया था। आज हम सब भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जीवन से
हम अपने उनके सारे गुणों को आत्मसात कर देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है, ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जो भव्य मूर्ति आज यहां बांसेरा के शुरुआत में दरवाजे पर लगाई गई है, वो मूर्ति कई सालों तक भगवान बिरसा मुंडा का संदेश हमें याद दिलाएगी। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।